दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के तो आप लोगों को बताएंगे अरिस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमारे पास है इफ x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 has x minus 2 as a factor and leaves the remainder 3 when divided by x minus 3, find the values of a and b। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर के ना हालत खराब हो जाती है। ये जो क्वेश्चन था वो हमारे सर ने भी क्लास में हमें दिया था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब क्या हुआ था, तब बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर जी एक्स हमारे पास दो दो हैं और साथ में ये बोल दिया है लीव्स रिमाइंडर फलाना ढिमकाना। अभी पहले तक जो था उसमें क्या था, रिमाइंडर हम साफ साफ जानते थे कि हमारा जीरो ही आएगा, फैक्टर थ्योरम से आराम से हो जाता था। लेकिन यहाँ लीव्स रिमाइंडर 3 बोल दिया, तो इसलिए सारे बच्चे इसे नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा कंफ्यूजिंग है। तो हमें क्या करना है, इसको समझना है। If x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor, सबसे पहले ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल है कह रहा है कि x minus 2 क्या है, इसका फैक्टर है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर x minus 2 से इस px में डिवाइड दिया जाएगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज x minus 2 क्या है, इस px का फैक्टर है। नेक्स्ट है एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देखिए, इसमें कह रहा है कि वो रिमाइंडर तब हमारा 3 आता है, रिमाइंडर 3 तब बचता है जब इस px को x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है। ठीक, यानी इससे करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इससे करेंगे तो 3 आएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें यहां पर a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट इज सो इजी फॉर मी। देखिए, आपके लिए भी होगा इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो जो यहाँ पर हमारी चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पी एक्स हम हमेशा लेट कर लेते हैं अपना जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, तो वो है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। उसके बाद क्या होगा, एंड नहीं यहां पे लगा देंगे कॉमा एंड जी 1x। अब यहाँ पे जी वन एक्स क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दो दो जी एक्स है, इसलिए दोनों का नाम जी एक्स नहीं रख सकते, तो एक का जी वन एक्स रख लेते हैं जो कि मेरे पास x माइनस 2 है, और एक का जी टू एक्स रख लेते हैं जो मेरे पास x माइनस 3 है। यहाँ लिखेंगे देन आर एक्स इज इक्वल टू, देखिए R1x is equal to 0। x minus 2 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज़ वो उसका फैक्टर है। देन और इससे जब करेंगे तो R2x यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा है, यहाँ एंड लगा देंगे। ठीक है, लेट px equals to this, g1x equals to this, then remainder will be 0 and g2x equals to this, then remainder 2 will be 3। अब हमें क्या करना है, बाय फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय फैक्टर थ्योरम अगर हम करते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी वन एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, तो हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 आ जाएगी, यानी कि 2 आ जाएगी। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे देन, अब p 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम इसलिए p 2 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि हमेशा से क्या होता है, 0 ही आता है रिमाइंडर, तो हम इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। अब आगे p 2 हमारा है कितना, देखिए टोटल पूरा, तो हम यहां पे लिखेंगे p, अब p2 मेरा पूरा है कितना, तो x क्यूब है तो x की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब, उसके बाद प्लस a है, देन x की जगह पर 2 उसका स्क्वायर, प्लस b है उसके आगे 2 आ जाएगा, एंड देन प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 4a प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे 2b एंड देन प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 8 और 6 मेरा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, then 14 plus 4a plus 2b is equals to 0। अब क्या होगा कि हम 14 को equals to किस साइड लेकर जाएं, क्योंकि हमें और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मेरा 4a plus 2b equals to minus 14 हो जाएगा, लेकिन अब आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक,
ठीक है, ये आगे मेरा फर्दर सॉल्व तो होगा नहीं, ए और बी साथ में आ गए ना, तो ये अलग अलग वेरिएबल है तो आगे कुछ होगा ही नहीं इसमें, तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर वन मान लिया। तो एक बार जो मेरा जीवन एक्स था वो क्या था, एक्स माइनस टू, तो एक बार एक्स माइनस टू की वैल्यू जीरो रख के हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रख के हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने उसको पी एक्स में पुट कर दिया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब क्या करेंगे, जो मेरा जी टू एक्स है उसके इक्वल्स टू जीरो रख के हम एक्स की वैल्यू अगेन फाइंड करेंगे, दूसरी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको भी पी एक्स में पुट करेंगे एंड देन देखेंगे कि हमारी क्या इक्वेशन मिलती है। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, जी टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, थ्री आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। देन हम क्या करेंगे, देन पी ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू थ्री। अब थ्री क्यों रखेंगे, देखिए मैंने बताया था पी ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो मैंने इसलिए रखा क्योंकि रिमाइंडर मेरा जीरो आएगा, ये हमें पता है इसलिए हमने इक्वल्स टू जीरो रखा, बट यहां हमें पता है कि रिमाइंडर थ्री आएगा तो हम जीरो क्यों रखें, आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम थ्री रखेंगे। रिमाइंडर जो होता है वही हम हमेशा रखते हैं, हमेशा से रिमाइंडर जीरो रहता था तो हम जीरो रखते थे, बट यहाँ क्या हुआ है कि रिमाइंडर थ्री आ गया है तो हम इक्वल्स टू पी ऑफ थ्री इक्वल्स टू क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर थ्री है। अब यहाँ पर देखिए, रे बाप, अब यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, एक्स क्यूब है तो हम एक्स की जगह पर थ्री रखेंगे, थ्री का क्यूब क्योंकि एक्स की वैल्यू थ्री ही आई है, थ्री का क्यूब प्लस ए देन थ्री का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी देन थ्री, उसके बाद प्लस सिक्स इक्वल्स टू थ्री रहेगा, ठीक है जीरो नहीं रहेगा। अब आगे थ्री का क्यूब क्या होता है, 27 प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और ए में मल्टीप्लाई कर दिया नाइन ए, प्लस थ्री बी एंड देन प्लस सिक्स इक्वल्स टू थ्री, और 27 और 6 क्या हो जाएगा 33, तो 33 प्लस 9a प्लस 3b इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 33 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 33, ठीक है क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो 9a प्लस 3b इक्वल टू 33 में से 3 जाएगा तो 30 साइन माइनस का, तो माइनस 30। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर टू लेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लिया, हमें इन दोनों को अब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्या करेंगे जो मेरी इक्वेशन वन है ना, इक्वेशन वन इसको क्या करेंगे आगे और इसमें कॉमन ले लेंगे, जैसे 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14, इसमें मैं क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 2, 2 को अगर कॉमन ले लूं तो इधर मेरे बचेगा 2a इधर बचेगा b इक्वल टू माइनस 14, 2 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 2, 2 से 14 कटेगा 7 आ जाएगा यानी कि माइनस 7। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ये मेरी क्या थी, ये मेरी इक्वेशन नंबर वन थी, तो ये मेरी क्या लेट कर ली, मैंने इसमें इक्वेशन नंबर थ्री लेट कर लिया, टू के बाद थ्री तो आएगा इसको थ्री लेट कर लिया। उसके बाद क्या करा कि जो मेरी इक्वेशन नंबर टू है, क्या थी इक्वेशन नंबर टू, 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 30, तो 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 30 ये थी इक्वेशन नंबर टू, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3a प्लस b बचेगा और इधर माइनस 30 आ जाएगा। अब 3a प्लस b 3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 3 10 का 30 तो माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, अब हमें असल में सॉल्व करना है किसको, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को। तो यहां पर हम लिखेंगे सबट्रैक्ट, हम यहां पर लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन फोर, ठीक है यानी कि फोर में से इस थ्री वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि हमारी ये है 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 7। तो सबसे पहले फोर वाली ऊपर रहेगी। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, ऐड भी तो कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, वो इसलिए किया कि ध्यान से समझिए यहाँ जो मेरा वेरिएबल है ना, सबसे पहले जो पहला टर्म है वो 3a है, इसका साइन प्लस है, और अगर हम इधर देखें तो इधर मेरे पास क्या है 2a है,
तो जो मेरा 2a है उसका भी साइन प्लस है। दूसरी टर्म अगर हम देखें तो इधर b है उसका भी साइन प्लस है, और इक्वेशन 3 में भी b है उसका भी साइन प्लस है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो इन दोनों का साइन भी सेम है, इन दोनों का साइन भी सेम है। अगर ऐसा होता कि एक मेरा अगर प्लस b है तो चलो दूसरा वाला माइनस भी हो जाता, ठीक है, ऐसा रहता तो मेरा बढ़िया हो जाता। अगर ऐसा होता कि प्लस 3a है चलो दूसरा वाला माइनस 2a है तो भी बढ़िया हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है कि समस्या पैदा हो रही है कि हमारा जो साइन है वो क्या है, सेम सेम है। तो जब साइन सेम सेम रहता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 ऊपर रहेगी, क्योंकि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3a plus b equal to minus 10, ये मेरी इक्वेशन 4 है। 3 मेरी क्या है, 3 वाली है मेरी 2a plus b equal to minus 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2a plus b equal to minus 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है कि जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है इक्वेशंस को तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस एंड देन प्लस का माइनस। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस 10 और प्लस 7, अब 7 का साइन माइनस नहीं रहा है, अब उसका साइन प्लस हो गया है। तो माइनस 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 3, ठीक। उसके बाद प्लस बी और माइनस बी खटाक से उड़ जाएगा, बस इसीलिए तो करते ही हैं। अगर ऐसा होता हम ऐड कर देते तो प्लस बी और प्लस बी प्लस 2b हो जाता, तो और बड़ी इक्वेशन बन जाती। इसीलिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मेरा साइन सेम है तो कभी आप ऐड मत कर देना वरना आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 3a माइनस 2a तो क्या बचेगा, 1a, यानी कि a बचेगा। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, माइनस 3 आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन। अब यहाँ क्या है ना कि आपकी मर्जी है, ठीक है, आप इक्वेशन 4 में पुट कर दो, या फिर आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो भाई, चार चार इक्वेशन है, जिसमें मन करे उसमें कर दो। तो मैंने क्या करा, लेट्स सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर दिया, ठीक है, आप जरूरी है 3 में ही करो, किसी में भी कर लेना। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में क्या करी, ए की वैल्यू पुट कर दी, तो वो थी मेरी 2a plus b, तो a की जगह minus 3 आ जाएगा, plus b equal to minus 7 आ जाएगा। अब minus 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, minus 6 आ जाएगा, इधर minus 7 आ गया, minus 6 equals to के उस साइड जाएगा, तो b equal to minus 6 plus minus 7 plus 6, तो b की वैल्यू minus plus minus होता है, 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। तो यहां पर देखो मेरी a की भी वैल्यू आ गई, देखिए a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या है, माइनस 3 है, b की वैल्यू माइनस 1 है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस 3, b इक्वल टू माइनस 1, और बढ़िया से सजा करके लिखना है तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर से देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा कि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो फैक्टर है वो है x माइनस 2। तो क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि x माइनस 2 जो है वो इस px का फैक्टर है, मतलब अगर मैं x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद कहा कि x माइनस 3 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी और b की वैल्यू निकालनी, हमने बोला ठीक है। तो px हमने लेट कर लिया जो हमारा पॉलीनोमियल था, फिर g1x लेट कर लिया x माइनस 2 जिसमें रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, उसके बाद g2x लेट कर लिया x माइनस 3 जिसमें रिमाइंडर 3 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद क्या है भाई, फैक्टर थ्योरम हमने क्या करा, सबसे पहले एक बार हमने x माइनस 2 रख के सॉल्व किया, एक बार हमने x माइनस 3 रख के सॉल्व किया। x माइनस 2 रख के सॉल्व किया तो 4a plus 2b equal to minus 14 आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। x माइनस 3 रख के करा तो 9a plus 3b equal to minus 30 आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें एक नई चीज मिली, यानी कि नई चीज क्या मिली, आगे ही सॉल्व कर दिया तो हमें 2a plus b equal to minus 7 मिला, जिसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। उसके बाद हमें क्या मिला, 3a plus b equal to minus 10 मिला इक्वेशन नंबर 2 से, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि साइन मेरा सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन में डिफरेंस चाहिए ताकि एक ना एक उड़ जाए, अगर वो नहीं उड़ेगा तो हमारा काम आसान नहीं बनेगा ना।
क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, अगर एक साथ दो दो वेरिएबल रहेंगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें एक बार सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा कट गया था बी वाला, ठीक है, तो बस ए बचा था, तो एक ही वैल्यू आ गई, ए को मैंने जिस भी क्वेश्चन में आपका मन करे पुट कर दीजिए, मैंने 3 में कर दी, तो बी की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।